क्या है चैट जीपीटी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा नमूना जो कंटेंट राइटर्स की नीड को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब एक तरफ जहां फेसबुक को 10 लाख यूजर्स हासिल करने में 10 महीने का समय लग गया था और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लग गए थे, वहीं चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स बना लिए। आज के समय में इस वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि ये अपनी फुल कैपेसिटी पर जाकर भी हाथ खड़े कर चुका है। दोस्तों, 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में गिने जाने वाले सर स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत डेंजरस होने वाला और ये एक दिन ह्यूमन रेस का अंत भी कर सकता है। अब ऐसा सच में होगा या नहीं, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए चैट जीपीटी कंटेंट राइटर्स का काम छीनने की प्लानिंग तो कर ही चुका है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चैट जीपीटी एक चैट बोट है जिसे अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी ओपन AI ने बनाया हुआ है। साल 2015 में जब ये कंपनी बनी थी तब इलॉन मस्क भी इसका हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने इससे रिजाइन कर दिया था। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी ओपन AI में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और 4 दिसंबर 2022 तक यानी महज 5 दिनों में 10 लाख लोगों का यूजर बेस बन चुका था। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेशन प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दैट इज चैट जीपीटी। ये चैट बोट AI की मदद से आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। ये आपके लिए आर्टिकल्स, एसेज और यहाँ तक कि स्क्रिप्ट्स भी लिख सकता है। अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, तो फिर परेशान मत होइए। चैट जीपीटी एक रियल ह्यूमन की तरह आपसे चैट भी कर सकता है। वो दिन गए दोस्तों जब आप किसी एप्लीकेशन या फिर लेटर्स को लिखवाने के लिए कंटेंट राइटर्स को खोजा करते थे, उनके साथ माथा फोड़ा करते थे, नहीं, चैट जीपीटी आज उनकी जगह ले रहा है। जैसे ही आप चैट जीपीटी में अपना टॉपिक डालोगे, ये वैसे ही आपके लिए आपका कंटेंट लिख कर रेडी कर देगा, आपके सामने दे देगा, बस यूं पल भर में। चैट जीपीटी दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज में काम करता है और इसकी मदद से आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोमांटिक पोयम लिखना हो या फिर फेयरवेल पार्टी की स्पीच, चैट जीपीटी आपके लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये AI सॉफ्टवेयर लोगों के इनपुट्स के आधार पर अपने आप नई चीजें सीखता रहता है और खुद को बेटर बनाता रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चैट जीपीटी सच में कंटेंट राइटर्स की डिमांड को खत्म कर सकता है और क्या हम इसके रिजल्ट्स पर 100% बिलीव करके चल सकते हैं? इन सवालों का सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। OpenAI का बनाया ये प्रोग्राम अभी अपने इनिशियल फेज में है और फिलहाल इसमें कई सारी कमियां भी हैं। एक कंटेंट राइटर जिस तरह से लिखता है और जितनी डीप रिसर्च करता है, चैट जीपीटी फिलहाल उस तरह से काम तो नहीं कर सकता है, ये बात साफ है। साथ ही इसके द्वारा किया गया कंटेंट भी 100% फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता है। कई बार ये फैक्ट्स को इतना इलॉजिकल बना देता है कि उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है। मतलब फिलहाल के लिए चैट जीपीटी इंसानों को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, पर आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से उन्हीं लोगों की जॉब्स बचने वाली है जिन्हें डीप वॉक करना आता है। वैसे आपको बता दूं कि चैट जीपीटी से सिर्फ कॉमन मैन को ही नहीं बल्कि गूगल को भी खतरा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और माइक्रोसॉफ्ट भी इसका हिस्सा है। इस आधार पर खबर ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ में इंटीग्रेट करने वाला है, जिससे लोग गूगल को छोड़कर बिंग का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे और दुनिया पर एक छत्र राज करने वाले गूगल के सामने एक टफ कॉम्पिटिशन खड़ा हो